ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद षष्ठ अध्याय श्लोक संख्या 35। यमादि वीर योग पथे काम लोभ हतो मुह मुकुंद सेवया जद्वात् मुकुंद सेवया यद्वात् अथात्मध्यान सम्मति तथात्मध्यान सम्यति। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जमादि भी योग पथे काम लोभ हत मुह मुकुंद सेवया जद्वत् तथा आत्म अध्यान सम्मति तथा आत्मा अद्वा न शाम्यति। हरे कृष्ण। यमादिभिर् योग पथै यमादिभिर् योग पथै काम लोभहतो मुह काम लोभ हत मुह मुकुंद सेव्या यद्वत्ता मुकुंद सेव्या जद्वत् यद्वत्ता तथा आत्मा अद्वा न शाम्यति तथा आत्मा अद्वा न शम्मति। योग पथ है काम लोभ तो मुह मुकुंद सेवया यद्वत्था आत्मा द्वा न शाम्यति। यमादि योग पथै काम लोभ हतो मुह मुकुंद सेवया यथा तथा मुकुंद सेवया यद्वत्था
आत्मयति हरे कृष्ण माता जी नहीं पढ़ेंगे आपका आवाज नहीं आ रहा है आपका देखिए स्पीकर डिस्टर्ब है सामने करके पढ़िए आवाज नहीं आ रहा माता जी आप हेड स्पीकर को हटाइए कान में जो है चलिए माता जी शायद उनका नेटवर्क डिस्टर्ब है गीता माता जी अनुवाद था जी पढ़िए हरे कृष्ण यह सत्य है कि योग पद्धति के द्वारा को वश करने के अभ्यास से मनुष्य को काम तथा लोभ की चिंताओं से राहत मिल जाएगी किंतु इससे आत्मा को संतोष प्राप्त नहीं होगा क्योंकि यह संतोष भगवान की भक्ति में सेवा से ही प्राप्त किया जा सकता है हरे कृष्ण तात्पर्य योग का लक्ष्य है इंद्रियों का संयम आसन विचार भाव इच्छा एकाग्रता ध्यान तथा अंत में अध्यात्म में लीन हो जाने की यौगिक प्रक्रिया का अभ्यास करके मनुष्य इंद्रियों को वश में कर सकता है इंद्रिया विषैले सर्पों के तुल्य है और योग पद्धति उन्हें केवल वश में करने के लिए होती है वश में करने के लिए दिखाई नहीं दे रहा भक्ति में सेवा होती है इसके विपरीत नारद मुनि इंद्रियों के निरोध की दूसरी विधि बताते हैं जो भगवान मुकुंद की दिव्य प्रेमा भक्ति है वे अपने अनुभव के आधार पर कहते हैं कि भगवान की भक्ति में सेवा इंद्रियों को वश में करने की कृत्रिम विधि की तुलना में अधिक व्यवहारिक तथा प्रभावशाली है भगवान मुकुंद की सेवा करने से इंद्रियां दिव्य रूप से सेवा में लगी रहती है इस प्रकार उनके इंद्रियां तुष्टि में लगने का अवसर ही नहीं रह जाता इंद्रियों को कुछ काम चाहिए कृत्रिम ढंग से उन्हें रोकना नहीं है क्योंकि जो ही भोग का कोई अवसर आता है तो ही सांप जैसे इंद्रिया अवश्य उसका लाभ उठाना चाहती है इतिहास में ऐसे अनेक दृष्टांत मिलते हैं यथा विश्वामित्र मुनि का मेनका के सौंदर्य पर मोहित होना इसी तरह सुंदर वस्त्रों से सज्जित होकर माया आधी रात के समय ठाकुर हरिदास को मोहने आई किंतु वह इस भक्त को अपने जाल में फंसा ना सकी भाव यह है कि भगवान की भक्ति में सेवा के बिना ना तो योग पद्धति ना ही शुष्क चिंतन कभी सफल हो सकता है आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय है सकाम कर्म ध्यान योग या शुष्क चिंतन से रंजित हुए बिना भगवान की शुद्ध भक्ति करना ऐसी शुद्ध भक्तिमय सेवा दिव्य होती है और योग तथा ज्ञान की पद्धतियां ऐसी विधि से गौण होती है जब दिव्य भक्ति के साथ किसी अन्य गौण पद्धति को मिला दिया जाता है तो वह दिव्य नहीं रह जाती अभी तो मिश्रित भक्ति कहलाती है श्री भागवत के रचयिता श्री व्यास देव आगे चलकर क्रमशः इस दिव्य साक्षात्कार की विभिन्न पद्धतियों का विस्तार करेंगे हरे कृष्ण तो हमारे विभा माता जी आ गए उनका ही बाकी श्लोक का उच्चारण करना माता जी पढ़िए हरे कृष्ण अभी आवाज आ रहा प्रभु जी हरे कृष्ण बढ़िया आ रहा है ना अभी पता नहीं क्यों नहीं आ रहा था लगता ब्लूटूथ में ही कुछ गड़बड़ था
हरे कृष्णा। यामी धीभिर गोपथे यमा धीभिर योग पथे काम लोभ हतो मोह काम लोभ हतो मोह मुकुंद सेवया यद्वत्था मुकुंद सेवया यद्वत्था आत्मध्याना साम्यति आत्मध्याना साम्यति। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आज सभी भक्तों को एक साथ में देखकर थोड़ा आनंद आ रहा है मन में। सारा दिन थोड़ा मुझे चिंता से ग्रसित था। मैं लक्ष्मी को बोली कि लक्ष्मी आप थोड़ा मेरे मस्तक को ये कुछ कर दीजिए तो, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, गुड फील नहीं हो रहा। मंदिर भी गए थे इधर इधर, सुबह से मेरा चिंता हो रहा था वृंदावन धाम का। इसके कारण मेरा मूड खराब था पूरा दिन कि मैं वृंदावन अभी तक नहीं गया, इसके लिए चिंता था। तो मैं सोचा चलिए आज पूरा वृंदावन धाम का दर्शन करते, इसीलिए 3 बजे से लेकर नाम का लगाया कि पूरा वृंदावन पूरा देखा, केसी घाट बंसी भट्ट ये वो। तो अभी और ज्यादा आनंद मिला आप सभी भक्तों को एक साथ में देखकर। कभी विश्वनाथ प्रभु होते, विश्वनाथ प्रभु होते हैं तो प्राण मोहन प्रभु नहीं होते, कभी गीता माता जी होते तो विभा माता जी नहीं होते, कभी नंदकिशोरी माता जी होते तो गीता माता जी नहीं होते, कभी राकेश प्रभु होते तो रांची का राकेश नहीं होता, अगर कभी रांची का राकेश होता तो बोकारो का राकेश नहीं होता। लेकिन आज थोड़ा सा लगभग सभी भक्तगण एक साथ आए हैं, इसीलिए मन थोड़ा प्रसन्न है। और मेरा मन प्रसन्न हो गया आप सभी भक्तों को एक साथ में देखकर। तो गीता माता जी तो बहुत ही प्रसन्न है हैदराबाद में, मुझे लगता है गीता माता जी का चेहरा पूरी तरह से वहां बदल गया। हैदराबाद बहुत सुंदर जगह है इससे लगा। गीता माता जी को सुबह बोले जब फल खरीदने के लिए गया था एकादशी के लिए कि माता जी मुझे हैदराबाद कब ले जाएंगे, बोले कि हैदराबाद में क्या है, बोले कि प्रभुपाद का इस्कॉन टेम्पल है। तो प्रभुपाद हैदराबाद गए थे तो वहां पर बहुत दिन से 7 दिन से वर्षा, बहुत दिन से वर्षा नहीं हुआ था। वहां की जो स्थिति चास बास जो गांव का इलाका, तो बोले कि ठीक है तो चलिए हम लोग शुरू कर देते। वर्षा को तुरंत इंद्रदेव को बुलाते तो प्रभुपाद वहां पे हरे कृष्ण महामंत्र खोल करताल लेके सभी भक्तगण शुरू किया। 1 घंटा के बाद वर्षा चालू हो गया। तो ऐसे हैदराबाद, वहां पे प्रभुपाद का कृपा है हैदराबाद, इसीलिए जाना चाहता हूँ। तो माता जी को मैं पूरा एड्रेस दिया लेकिन कुछ रिस्पॉन्स तो नहीं है। माता जी आपको एड्रेस दिया ना हम? नहीं प्रभु जी, हम तो बहुत काफी दूर में रहते हैं और बिटिया तो गई आज ऑफिस, तो आसपास के मार्केट में थोड़ा घूम घाम के आई थी, थोड़ा फल थोड़ा सब दूध वगैरह दही वगैरह भगवान को प्रसाद चढ़ाने के लिए कुछ मिठाइयां सब लेके आई थी। अभी विभा माता जी विश्वनाथ वो एक चीज आप लोग समझे कि गीता माता जी का चेहरे में कितना मुस्कुराहट है, इसका रीजन क्या है आप लोग बता सकते? मैं बताऊंगा, कौन कौन बताएंगे इसका रीजन कारण क्या है? विभा माता जी बोलिए। अरे बेटी के पास गई है ना माता जी। अच्छा एक कारण, दूसरा कोई पॉइंट प्राण मोहन प्रभु, एनी अदर पॉइंट? पता नहीं प्रभु जी। अच्छा ठीक है, विश्वनाथ प्रभु आपका कोई पॉइंट? भगवान का सेवा करने के लिए उसने फल खरीद के लाए ना, तो आपसे आप ही भगवान का सेवा में लिप्त है, तो इसलिए भगवान सेवा आप कर रहे हैं। ठीक है ओके। नंदकिशोरी माता जी आपका कुछ पॉइंट जल्दी बताइए। पॉइंट है प्रभु जी बेटी के पास गई हैं और क्या कहें। चलिए और भगवान के मैं बता रहा हूँ, अभी आप सभी तो अपना अपना ओवरव्यू दिए, अभी मैं बता रहा हूँ कि क्या कारण है कि गीता माता जी इतना खुश है, उनके चेहरे में इतना मुस्कुराहट है। जंगल देखे हम सब, तो जंगल में हिरण भी रहता है और वहां का शेर भी रहता है। तो हिरण जबकि अलग पशु है और शेर अलग है, लेकिन फिर भी हिरण थोड़ा डर डर के रहते हैं कि शेर आके मुझे खा न ले। तो गीता माता जी का दुर्ग में हालत एक हिरण की तरह है और बाकी जितने सारे वो परिवार के जो सदस्य है ना शेर की तरह है। इतना भक्ति कर रहा है, सुबह से लेकर भक्ति कर रहा है, इनका सिर्फ कृष्ण कृष्ण लड्डू गोपाल,
लेकिन अभी वहां पे कोई नहीं, अभी वही पर शेर है और हिरन दोनों एक साथ है, वहां पर कोई बोलने वाला नहीं, इसीलिए मुस्कुराहट है। ठीक है ना माता? हाँ बहुत, सुबह से बस YouTube में देख रही थी, डाटा खत्म ना हो जाए, एक और डाटा ले ली मैंने और बैठ के देख रही थी। तो मैं जो बोला आपको शेर और हिरण का जो एग्जांपल दिया एकदम पूरा परफेक्ट है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिना डर के बिल्कुल, कोई नहीं है, आराम से अपने अपने में, कोई रोक टोक नहीं, किसी का भय नहीं, कुछ नहीं। तो चलिए हम लोग आज की जो हमारे श्रीमद् भागवतम की जो कक्षा है वो अभी शुरू करते हैं। तो वृंदावन धाम को दर्शन करके कौन भक्त क्या क्या फील किए, थोड़ा सा एक एक मिनट बताने की कृपा करें। विभा माता जी पहले बताएंगे, एक एक मिनट बोलेंगे वृंदावन धाम का दर्शन करके क्या फीलिंग हृदय में आया। प्रभु जी हम लोग तो देख रहे थे तो ऐसा लग रहा है साक्षात वृंदावन में ही है, क्योंकि मैं वृंदावन एक बार जा चुकी हूँ और जैसे कल का कथा में भी हम लोगों ने यही श्रवण किया कि भगवान प्रकट होते हैं, भगवान जैसे भगवान का लीला या गुणगान हम लोग करते हैं तो उनका चित्र दिखने लगता है, ऐसा लगता है टेलीविजन में देख रहे हैं। तो शुद्ध भक्त मतलब ऐसा, तू तो भागवतम का है, आप तो वृंदावन का पूछ रहे, तो कहने का मेरा तो यही लगा कि ऐसा कि मैं वृंदावन में ही हूँ, जैसा हमने देखा अभी आपका सीरियल जो दिखा है, क्योंकि नंदगांव में हम लोग गए थे, बहुत अच्छा लगा, सीढ़ी चढ़ चढ़ के गए थे, बरसाने में भी गए थे, मथुरा में भी गए थे, सिर्फ हम लोग गोकुल नहीं गए थे, तो गोपेश्वर धाम भी गए थे, बाबा भोलेनाथ वाला। तो इस प्रकार से हमें तो बहुत अच्छा लगा, ऐसा लगा थोड़ा देर के लिए हम वृंदावन में ही है जो कि दर्शन कर रहे थे, तो बहुत अच्छा लगा, बस इतना ही। और हमारे विश्वनाथ प्रभु जी थोड़ा सा 5-10 मिनट तो देखे है, प्रभु जी आपका क्या फील हुआ हृदय में कार्तिक महीने में वृंदावन धाम दिखा रहे प्रभु? देखते देखते मेरा वो ये चले गए, फिर दूसरा किसी का बुलाया आया तो अच्छा। बुलावा में चले गए मेरा अपना काम में। अच्छा, फिर वहां से आया जब तब आपका ये श्लोक चल रहा था, वहां नहीं देखा नहीं। हमारे नंद किशोर माता जी तो पहले से है, जब से शुरू हुआ है तब से, माता जी का क्या फील है वृंदावन धाम को दर्शन करके? जी प्रभु जी हम वहां तो तक तो हम पहुंचे नहीं है, लेकिन ये टीवी में ही और मोबाइल में ही जूम पर ही सब कुछ तो देख लिए, लेकिन इससे उत्साह होगा जो पास में जाके देखेंगे, इससे अधिक वे उत्साह होगा। मैं तो कभी गई नहीं, अभी तो तरस रही हूँ वृंदावन जाने के लिए, और बहुत ही अच्छा लगा। अब पास से देखेंगे तो अब पता ना भगवान क्या करेंगे। ठीक है, तो आपको अच्छा लगा ना देख के, फील गुड? बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत प्रभु जी बहुत अच्छा लगा। ठीक है माता जी, आप क्या हेडफोन अभी यूज कर रहे हैं? अभी हेडफोन यूज कर रहे हैं आप या ऐसे ही खुला है मोबाइल खुला है, या हेडफोन से बात कर रहे हैं हमारे साथ? नहीं हेडफोन है प्रभु जी। तो आपका हेडफोन लगाए हुए है, आपका हेडफोन जो है ना बहुत दामी है, आप मुझे उसे दे देना है, क्योंकि आपका आवाज जैसे मेरा लैपटॉप फट जाएगा। अच्छा ठीक है, एकदम खड़गपुर सेट जो जानते हैं ना। ठीक है प्रभु जी, हमारे बाकी जितने सारे भक्तगण है उनका आवाज थोड़ा थोड़ा नॉर्मल आता है ना प्रभु जी, लेकिन आपका आवाज जैसे पूरा लैपटॉप मेरा डिस्प्ले फट जाएगा। हाँ प्रभु हम वृंदावन तो गए नहीं, पता ना प्रभु जी क्या है, तो इस तरह इतना जोर से आवाज है कि पूरा रूम मेरा गूंज रहा है। तो आपका हेडफोन बहुत दामी है, हो सकता है प्रभु जी यहाँ नहीं, यहाँ हम रूम में बंद है, हो सके कि आवाज थोड़ा तेज बोल रहे हैं इसीलिए आपको ऐसा लगता होगा। हमारे प्राण मोहन प्रभु जी आपको कैसा फील हुआ प्रभु जी वृंदावन धाम का दर्शन करके? जी बहुत अच्छा लगा। आप तो हमारे विश्वनाथ पर गए तो नहीं है, आप तो हमारे गए तो नहीं है, सुनिए सुनिए, सोच रहे हैं जाने का, आप देखें कब भगवान बुलाते हैं। हमारे विश्वनाथ प्रभु जी का अनुसरण कर रहे थे कि विश्वनाथ प्रभु जी का जब काम रहते थे वो क्लास में नहीं आते थे, उसी प्रकार आज आप नहीं आए थे। जब मैं फोन करके पूछा क्या कर रहे प्रभु जी, मेरा अभी काम चल रहा है इसीलिए देख रहा हूँ, मतलब आप प्रभु जी को अनुसरण कर रहे हैं। नहीं प्रभु जी वैसा नहीं है, अब काम समाप्त हो गया मेरा, कल भर है,
अच्छा, तो वृंदावन धाम को देख के अच्छा लगा, यस, हृदय में भाव बहुत आया। अच्छा लगा। अभी अंत में हमारे गीता माता जी वर्णन करेंगे, थोड़ा भी देखे या ज्यादा देखे जो भी है, क्या फील किए? हरे कृष्ण, सभी वैष्णवों को दंडवत प्रणाम। वृंदावन तो हम गए थे 10 साल पहले, जब वहां की महिमा के बारे में तो कुछ जानकारी नहीं थी, बस थोड़ा बहुत जानते थे, लेकिन अभी तो वृंदावन के बारे में इतनी महिमा जान गए हैं कि जैसे देखती हूँ तो काश उस समय मुझे ये जानकारी होती तो और आनंद आता। वहां हमने भागवत कराए थे तो वहां 7 दिन ठहरे थे आश्रम में, वही प्रसाद पाते थे वहां पे, रात में घूमते थे। सीधा ठीक है सीधा है, टेढ़ा कीजिए, टेढ़ा टेढ़ा ऐसा, अच्छा ऐसा, हाँ पढ़ते समय ऐसे करते। तो वहां पे एकादशी आया था, जब मैं वहां पे थी तो एकादशी रखी थी, तो हमारे जो प्रभु जी, हम लोग गुरु जी बोलते हैं उनको, वो बोले बिटिया आज सब खा लेना, क्योंकि आप तो धाम में, वृंदावन धाम में, यहाँ कोई उपास नहीं होता है, यहाँ तो सब कृष्ण के पाने के लिए आते हैं, तुम उपास करते हो कृष्ण के लिए, कृष्ण को पाने के लिए, तो जिस धाम में तुम आए हो वहां उनके लिए तुम आ चुके हो, तो तुमको वो सब करने की जरूरत नहीं है, जो भी लघु आहार जो है वो सब करिए, कुछ नहीं है। उस समय हम तो पानी भी नहीं पीते थे, मतलब एकदम कट्टरता से हम मालन करते थे उस समय, 10 साल पहले, अभी नहीं हो पाता उम्र के साथ साथ, लेकिन तब हमने भगवत गीता बैठ के पढ़े थे वहां, तो वो वहां बैठ के जो पढ़ने का जो आनंद है ना, वो अलग ही है। घर में जैसे बैठ के पढ़ना और वहां बैठ के पढ़ने में बहुत बहुत अलग है, तो जैसे उस समय हमको मालूम नहीं था, लेकिन बहुत अच्छा लगा अभी देख करके, बहुत सुंदर। चलिए, आपके हृदय में बहुत भाव का उदय हुआ, आपकी बातों से ही लग रहा है। तो चलिए, मतलब वृंदावन धाम, मायापुर धाम, जगन्नाथपुरी धाम, इस तरह हम लोग जब भी जो ख्याल आएगा हमको देखेंगे। मेरे पास तो पूरा रिकॉर्ड है, पूरे विश्व में जहां जहां जो जो धाम है सब मेरे लैपटॉप में रखा है, लैपटॉप में भी है, यूट्यूब में भी सेट किया हुआ, मेरे चैनल में ही है, वो सबको चोरी करके मेरे चैनल में डाल दिया हूँ, वो भी क्लेम भी होता है। मेरा जो चैनल जगन्नाथ देवदास, उसमें वो जितना सारा धाम, द्वारका धाम, तिरुपति बालाजी, सब कुछ है। पहले जूम मीटिंग क्लास होने से पहले ये सब जितना सारा धाम है पूरे विश्व में सब दिखाऊं, नेपाल का, तिब्बत का, हमारा क्या धाम है, अरे कैलाश, काठमांडू, कैलाश पर्वत, काठमांडू, पशुपति, काठमांडू, सब दिखाऊं, भक्तों के साथ भी कभी कभी ऐसे देखेंगे। तो जो भी है, तो कल हमारे विभा माता जी क्लास में नहीं थे हमारे क्लास में, लेकिन माता जी पूरा दोनों डिस्क, दोनों क्लास श्रवण किए, 40 मिनट 40 मिनट, तो ओवरव्यू माता जी प्रदान करेंगे। और अगर कल देखे थे पूरा दोनों क्लास जी? देखे तो थे प्रभु। तो चलिए, कल आपका मोबाइल स्विच ऑफ था, तो शायद मैं सोचा कि क्या हुआ रे बाबा। तो चलिए, थोड़ा सा ओवर भी प्रदान करें, हमारे विश्वनाथ प्रभु जी को बोलेंगे तो वो दे देंगे, लेकिन विश्वनाथ प्रभु कुछ गड़बड़ था उसमें, भक्त ओवर भी देते हैं, क्योंकि प्रभु जी को सुनने में बहुत आनंद आता है, मैं देखा हूँ। और जब कोई नहीं है उस समय तो अकेला 100 है, इसके लिए टेंशन का कोई। तो आप थोड़ा बताने की कृपा करें, कल हम लोग क्लास में क्या आलोचना किया था। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को दंडवत प्रणाम। तो कल तो श्री नारद मुनि बता रहे हैं वेद व्यास जी को 31 नंबर श्लोक में, कि वो जब दासी पुत्र के रूप में जब शरीर त्यागे, अपना जब उनको शरीर मिला है, तो कैसे उन शुद्ध भक्ति में कैसे आए, और आने के बाद किस प्रकार वो भगवान का नाम को निरंतर जप में उनका रुचि हुई। तो वही वेद व्यास जी को बता रहे हैं कि हे वेद व्यास जी, जब मैं भगवान का नाम जप कीर्तन करता हूँ तो ऐसा लगता है कि मानो साक्षात भगवान मेरे हृदय में प्रकट हो गए। तो इस प्रकार से बोलते हैं कि जो शुद्ध भक्त होता है ना, जब भी भगवान का कीर्तन करता है
तो उन्हें भगवान का ना वो चलचित्र दिखाई देने लगता है, जैसे हम लोग भगवान का माखन चोरी का लीला या चिरहरण का लीला कुछ भी ऐसा, जैसे हम लोग चरित्र का गुणगान गाते हैं ना, तो हम लोग को ऐसा लगता है कि वो दिख रहा है, भगवान वो कर रहे हैं, ऐसा अनुभव होता है। वही अपना बता रहे हैं अनुभव कि जब भी भगवान का लीला गुणगान यशगान नाम जप करते हैं तो मानो हमारे हृदय में तत्क्षण भगवान प्रकट हो जाते। तो इस प्रकार से बोल रहे हैं कि जो भक्त होता है, शुद्ध भक्त होता है, उसे प्रकृति का हर कण कण में भगवान को दर्शन करना चाहिए। हर कण में भगवान है, भगवान ऐसा नहीं कि कहाँ नहीं है। तो कहते हैं कि भगवान जैसे गीता जी में कहे हैं कि जैसे नदियों में गंगा है, तो वृक्षों में सूर्य है, ग्रहों में चंद्र है, सूर्य है, ऐसे। तो इस प्रकार से प्रकृति के हर कण में भगवान है। ये नहीं सोचना है कि कोई सजीव है उसमें भगवान है, कोई निर्जीव है उसमें भगवान नहीं है, क्योंकि भगवान कहीं भी किसी भी जगह तुरंत प्रकट हो सकते हैं। उनमें कोई हमारे जैसा ये नहीं है कि हम कहीं एक जगह है तो दूसरे जगह नहीं मिल पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है भगवान के साथ। भगवान पूर्ण है और पूर्ण रूप से ही सभी जगह प्रकट होते हैं, उनमें कणिक भी ये नहीं है कि यहाँ है तो वहां नहीं रहेंगे। इसीलिए भगवान को पूर्ण पुरुषोत्तम कहा गया है, पूर्ण है भगवान, हमारे जैसा नहीं है कि हम यहाँ है तो कल वहां नहीं रहेंगे, या हम हमारे जो लीला हो रही है तो हम जो जो भी कुछ कर रहे हैं तो भगवान के साथ, भगवान एकदम हम लोगों से भिन्न है, जीव से भिन्न है, भगवान की लीला गुणगान यश सब भगवान के समान है, उनमें कोई अंतर नहीं है। और जहां भी हम भगवान का भजन कीर्तन लीला गायन भागवतम करते हैं, भगवान स्वतः वहां प्रकट होते हैं। इस प्रकार से भगवान में भगवान का विग्रह, भगवान का नाम जप आदि किसी में भी कोई अंतर नहीं है। हमें विश्वास से बस भगवान को, ये नहीं भगवान को मैं दर्शन नहीं हो रहा, इतने दिन से भागवतम किए दर्शन नहीं हो रहा, तो ये जो हम साक्षात भागवतम का सेवन जो कर रहे हैं, भागवतम जो रोज कर रहे हैं, तो ये तो साक्षात भगवान का साहित्य अवतार ही तो है, ये तो दर्शन तो ही है। माला जप जप करना तो भगवान का ही तो अवतार है, जप कोई साधारण थोड़ी ना है। माला जिस माला से हरि नाम करते ये कोई साधारण माला नहीं। तो इस प्रकार से ये नारद जी बता रहे वेद व्यास जी को कि किस प्रकार से हमारे हमारा जो रुचि है वो भगवान में हुआ। तो कहते हैं कि शुद्ध भक्तों को कभी भी भगवान और भगवान के नाम आदि सबों में अंतर नहीं मानना चाहिए, और जहां हम कीर्तन भजन करते हैं वहां साक्षात भगवान प्रकट होते हैं। और हमें हर हर किसी का भी, जो भी आध्यात्मिक बोल तो नहीं है लेकिन भौतिक जो भी हमारी कोई भी परेशानियां है ना, जो भी कष्ट है, उसका निवारण सिर्फ हरि नाम है। जो कि लास्ट वाला श्लोक जो है 32 उसमें बताया है नारद मुनि कि जो भी भौतिक हमारी कष्ट है, शारीरिक हो मानसिक आर्थिक जितने भी प्रकार के कोई भी कष्ट है, उसका मात्र निवारण इस कलयुग में हरि नाम है। इसके द्वारा हम सारे कष्टों का निवारण कर सकते हैं। अन्य जब हमको भगवान पर बस विश्वास होना चाहिए, जैसा कि आपने एग्जाम्पल से भी एक तो समझाया, वो जो पंडित और मोची का कहानी, जो सुई का नोक से हाथी को पार करना, तो जो भक्त था वो तो विश्वास कर लिया कि हमारा भगवान पुरुषोत्तम पुण्य, वो कुछ भी कर सकता है, भगवान से कोई चीज परे नहीं है, भगवान सब कुछ करने में समर्थ है। तो ये कौन समझ सकता है, भगवान का एक भक्त ही समझ सकता है, अन्यथा दूसरा लोग तर्क वितर्क करने वाला इसको समझ नहीं पाएगा। इसलिए इन किन पराकरण हमें भगवान में विश्वास होना चाहिए, भगवान का लीला नाम जप निरंतर करते रहना चाहिए, और हमें कभी भी अंतर नहीं सोचना चाहिए कि भगवान से बिल्कुल अलग है। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत सुंदर प्राणमोहन प्रभु जी, मोबाइल को टेढ़ा कीजिए प्रभु जी, ऐसे देखिए यूट्यूब में वीडियो जाएगा ना उसको सुंदर लगता है जब वो सबका पिक्चर एक साथ, हाँ यस ऐसे नहीं ऐसे रहेगा। यद्यपि कष्ट होता है, हमारे विश्वनाथ प्रभु जी बोलते प्रभु जी हाथ में पकड़ के रखना पड़ता तब मेरा चेहरा दिखता है, तो क्या किया जाए थोड़ा तो। तो हमारे विभा माता जी जो ओवरव्यू प्रदान किए कल की क्लास का 33 और 34, उसमें से जो कुछ अगर कुछ बचा रहे, अगर किसी भक्त के मन में आए तो बोल सकते हैं, चाहे एक मिनट हो, आधा मिनट हो, दो मिनट हो, और अगर सोचते हैं किसी तो बोल सकते हैं। विश्वनाथ प्रभु, गीता माता जी, नंदकिशोर माता जी, अगर कुछ ऐसा है जो माता जी मेंशन नहीं किए लेकिन ये बोलना चाहिए था, लाइक दैट। हरे कृष्ण। भगवान का मनोवैज्ञानिक के बारे में बताए थे,
भक्त जो है सभी सभी भक्त भक्त में एक मनोवैज्ञानिक वो होता है, वो भगवान भी अपने व्यक्तिगत आत्मा में पाए जाने वाले जो लक्षण है ना, जो हमारे अंदर, वो भगवान के अंदर भी है, प्रतिबिंब है, भगवान का प्रतिबिंब से हमारे ऊपर होता है, क्योंकि भगवान परम पूर्ण है, इसलिए वो एक था। हृदय रूपी दर्पण है, अपने हृदय दर्पण जैसा हो जाएगा शुद्ध भक्त का, तो जो हृदय रूपी दर्पण पर भगवान का प्रतिबिंब भक्त को उनके आंखों में भगवान दिखाएगा प्रतिबिंब के रूप में, तो वो इसमें एक बहुत सुंदर एक वो व्याख्या है। हरे कृष्ण। हाँ, तो लगभग पूरा हो गया। नंदकिशोरी माता जी को कुछ भी बोलना है क्या? माता जी ऐसा कुछ है क्या? गीता माता जी और विभा माता जी छूट गया, वो बोलना चाहिए था, तो आपके मन में आया, उसको बोलने की इच्छा तो बोल सकते हैं। प्रभु जी, ये नारद मुनि व्यास देव जी से बोल रहे हैं कि जो ही भगवान श्री कृष्ण की सुमधुर महिमा की पवित्र लीलाओं के कीर्तन करता हूँ, तो ही भगवान तो ही मेरे हृदय स्थल में प्रकट हो जाते हैं और मेरे प्रकट हो जाते हैं और मेरे हृदय स्थल मतलब मेरे प्रकट हो जाते हैं, बस प्रभु जी इतने। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। माता जी उतना लड़खड़ाना नहीं है, आप बुक की भाषा में क्यों बोल रहे हैं? अपनी भाषा में बोलना है, अनुवाद में कैसा एजिटीज आपको बोलने का जरूरत नहीं है, आपको अपनी भाषा में बोलना है। विश्वनाथ प्रभु जी, कुछ ऐसा बचा है प्रभु जी जो एक पॉइंट बता पाएंगे? हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण। 34 नंबर श्लोक में ये बता रहा है, जो लोग इंद्रियो भोग का वासना में अतुर रहता है, मतलब इच्छुक है, जिसका इच्छा प्रबल होता है इंद्रियो वासना भोग के लिए, तो वो भी बोल रहा है जब भगवान का सेवा और नामगान कीर्तन करने से वो भी भगवत धाम जा सकते हैं, भगवान को मिल सकते हैं उसको भी, ऐसा ये 34 नंबर श्लोक में यही बता रहा है। मतलब एक ही बात है, भक्ति से भगवान का सेवा में जो भी आदमी, चाहे वो इंद्रियो वासना भी, उसका इंद्रियो वासना से वो आतुर इच्छा प्रबल रहता है इंद्रियो वासना का, तो फिर भी वो जब भगवान का सेवा और भक्ति में उसका अपराकित महिमा लीला कीर्तन का सुनते हैं वह करते हैं, तो वो भी भगवत धाम प्राप्त करते हैं। यही ये 34 नंबर श्लोक में ये एक था। बहुत सुंदर प्रभु जी, डाटा ऑफ करके। तो चलिए, हमारे विभा माता जी घड़ी की तरफ ध्यान दिए, इसीलिए हमारा कर्तव्य है क्लास को पुनः चालू करना क्योंकि ओवरव्यू लेके अगर हमारे पास अभी समय है 20 मिनट, इस श्लोक का डिस्कस हम लोग कर पाएंगे तो आज का हमारा श्लोक जो है प्राणमोहन प्रभु जी, आपको तो कुछ बोलना नहीं प्रभु, या बोलने की इच्छा है? हाँ? नहीं प्रभु जी। ठीक है, एक्चुअली वैष्णव जगत में थोड़ा संभल के रहना चाहिए, वैष्णव अपराध बहुत डिफिकल्ट है, कितना ही बड़ा भक्त नीचे गिर जाता है, और आज का श्लोक में वही होगा इसीलिए मैं सोच रहा था कि सभी को बोले, आपको नहीं बोले तो ये तो अच्छा नहीं है, इसीलिए मैं पूछा आपको। तो जमाधि भीड़ जोग पथे काम लोभ हत मुह मुकुंद सेवया जद्दत तथा माध्यान सान्नति। अर्थात ये सत्य है कि जोग पद्धति के द्वारा इंद्रियों को बस में करने के अभ्यास से मनुष्य को काम तथा लोभ की चिंता उस रात मिल जाएगी, किंतु इससे आत्मा को संतोष प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि यह संतोष भगवान की भक्तिमय सेवा से ही प्राप्त किया जा सकता।
इसको कैसे समझेंगे हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से, यहाँ पे क्या होता है, जोग पद्धति के माध्यम से हमारी जो इंद्रिय कंट्रोल है, इंद्रिय संयम हम लोग जोग पद्धति के माध्यम से कर सकते हैं, किंतु आत्मा का संतोष, आत्मा की संतुष्टि कैसे होगा? तो नारद मुनि व्यास देव को बता रहे कि आत्मा की संतुष्टि तो एकमात्र भगवान की भक्ति करने से होता है। योग पद्धति क्या है एक्चुअली हम लोग को विचार करना है। योग पद्धति का अर्थ होता है अपना प्रयास, अपना प्रयास को कहा जाता है योग पद्धति, और भगवान को प्रसन्न करने के लिए स्वेच्छा से किया गया तप को कहा जाता है भक्ति। चीज को समझना है, योग पद्धति में कौन कौन लगे हुए थे, तात्पर्य में यहाँ पे श्रील प्रभुपाद उल्लेख किए। विश्वामित्र क्या कर रहे थे, योग पद्धति, और हरिदास ठाकुर क्या कर रहे थे, भक्ति। तो जो योग पद्धति करेंगे उसको असफल होना पड़ता है। इसको एक एग्जाम्पल कैसे देख, दलदल का उदाहरण देते हैं। खेत में दलदल होता है, शायद विश्वनाथ प्रभु जी देखे हैं, हम भी देखे हैं। दलदल में जब कोई घुस जाता है दल की, तो अगर वो खुद प्रयास करे ऊपर उठने का, तो जितना प्रयास करेगा उतना नीचे गिरेगा दलदल में। लेकिन कोई बाहर से अगर एक रस्सी फेंक दे, रस्सी को पकड़े, तब वो ऊपर उठ सकता है। तो योग पद्धति मतलब आप दलदल में पड़ गए और खुद अपना प्रयास करके निकलना चाह रहे हैं, ये है योग पद्धति। तो उससे व्यक्ति ऊपर नहीं उठेगा, नीचे आएगा। और अगर रस्सी फेंक दिया और रस्सी को पकड़कर हम लोग बाहर निकले, उसे कहा जाता है भक्ति। तो भक्ति क्या है, भगवान हम सबको बचाने के लिए यह पंथा हमारे गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त हुआ है। और योग पद्धति मतलब अपने प्रयास से किया गया, अष्टांग योग, हठ योग, विभिन्न तरह का जो योग है, ज्ञान योग, कर्म योग, एकमात्र भक्ति योग ही वो साधन है जो व्यक्ति को आत्मतृप्त करा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल कैसे दें, पानी का भी उदाहरण दिया जा सकता है। हाँ, ये भी एक एग्जाम्पल है, लक्ष्मी जी से बताए कि मान लीजिए आपको नदी पार करना है, तो नदी जैसे नदी यहाँ पर है पीछे, तो नदी पर अगर आप खुद स्विमिंग करके जाए तो आप हो सकता है हाँफ जाए, मतलब थक जाए, और हो सकता है कहीं पर शेल्टर नहीं मिलने के कारण वहां पर डूब भी सकते हो, है ना। लेकिन अगर नौका के माध्यम से जाए तो नौका के माध्यम से जाए तो अगर आप थक भी जाए तो नौका में आराम से सो सकते हैं। जो भी है वो नौका को क्या है, साधु संग, और खुद स्विमिंग करके पार होना वो है योग पद्धति। तो भक्त क्या करते हैं, साधु संघ के माध्यम से उस पार को जाते हैं, इस भगवत मतलब भैतिक ब्रह्मांड से भगवत धाम को जाते हैं। और योगी क्या करते हैं, अपने प्रयास से भगवान को प्राप्त करना चाहते, भगवान को प्राप्त करना नहीं चाहता, वो भगवान बनना चाहते, यही तो सबसे बड़ा दोष है। अगर विश्वामित्र अगर भगवान के चिंतन में रहता तब तो उसका फेल डाउन नहीं होता, वो किसका ध्यान कर रहे थे, अगर वो कृष्ण का ध्यान करता तब मेनका आके उनको विचलित नहीं कर पाते। छुन 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 छुन, आंख बंद है, सब कुछ बंद है, लेकिन कान खुला है। तो पायल किसका बजता है, पुरुष का या स्त्री का, स्त्री का। तो पता चला ये कोई स्त्री होगी, आंख खोल के देखा, सुंदर ब्यूटीफुल गर्ल, मेनका, अप्सरा। तो ये योगी एक्चुअली उनका जो दिमाग होता है ना पूरा फिक्स नहीं रहता, जीवन का जो उद्देश्य है वो नहीं रहता उनके पास, जिसके कारण योगी गण असफल हो जाते हैं। सोभरी ऋषि का भी हम लोग जानते हैं, सोभरी ऋषि पानी के नीचे तपस्या कर रहे थे। चलिए विश्वामित्र का आंख खुला था, मतलब आंख बंद है, कान खुला था, और सोभरी ऋषि का क्या था, कुछ भी नहीं, पानी के अंदर तपस्या कर रहे थे, लोगों के साथ कोई भेंट नहीं, लेकिन फिर भी उसका पतन हुआ। क्यों, मछली का मैथुन देखकर, बोले कि क्या होता है वैवाहिक लाइफ थोड़ा देखते हैं, और जाके फंस गया बेचारा, और मानधाता के 50 लड़कियों के साथ शादी की। और इसकी घटना हम लोग पहले ही बता चुके हैं कि सोभरी के हृदय में ये वासना क्यों आया, गरुड़ जी के चरणों में अपराध करने के कारण। हम लोग इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो
चलो प्रभुपाद तात्पर्य में यही चीज बताना चाह रहे कि योग का लक्ष्य है इंद्रियों का संयम और भक्ति का लक्ष्य है कृष्ण की प्रसन्नता। इंद्रियों का संयम, हमारे शरीर में कुछ कुछ इंद्रियां हैं क्या, देखने की, सुनने की, बोलने की, बहुत सारा है, लेकिन तीन को मुख्यतः मान लिया जाए। ऐसा कुछ चीज देखना को मन चाहता है जो नहीं देखना चाहिए, व्यक्ति पतित हो सकते हैं। अजामिल गए थे फूल तोड़ने के लिए, पिताजी ने आज्ञा दी था, आज्ञा दिया था कि जाओ